अब बात करते हैं अमरनाथ हादसे की, जहां गुफा के पास बादल फटने से अब तक 16 लोगों की मौत हो गई है, 42 लोग अभी भी लापता हैं। सेना ने शनिवार सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है, 6 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया है। उधर माउंटेन रेस्क्यू टीम लापता लोगों की तलाश में जुट गई है। हालात को देखते हुए फिलहाल अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है। पवित्र गुफा के पास रेस्क्यू पूरा होने और रूट की मरम्मत के बाद ही यात्रा शुरू हो सकेगी। जानकारी के मुताबिक प्रशासन ने शुक्रवार रात को ही यात्रा स्थगित कर दी गई थी। पहलगाम और बालटाल में बने बेस कैंप से आगे किसी यात्री को जाने की इजाजत नहीं है। शनिवार सुबह बेस कैंप के बाहर यात्रियों की जबरदस्त भीड़ जमा हो गई है। सब यह जानना चाहते थे कि यात्रा दोबारा कब शुरू होगी, लेकिन प्रशासन की तरफ से उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं मिल सकी है। शुक्रवार को पवित्र गुफा के पास आए सैलाब के बावजूद अमरनाथ यात्रा के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं की हिम्मत में कोई कमी नहीं आई है। शुक्रवार की देर रात को जम्मू बेस कैंप से तीर्थयात्रियों का एक जत्था कश्मीर के बालटाल और पहलगाम बेस कैंप के लिए रवाना हुआ है। पवित्र गुफा के 1-2 किलोमीटर के दायरे में बादल फटा है। अमरनाथ गुफा के पास शुक्रवार शाम 5:30 पर बादल फटा था। जिस समय बादल फटा उस समय गुफा के पास 10,000 से 15,000 श्रद्धालु मौजूद थे। इस घटना में मरने वालों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं। ITBP ने बताया कि 15,000 लोगों को पवित्र गुफा के पास से सुरक्षित पंचतरणी ले जाया गया है। बादल फटने के कारण पहाड़ों से तेज बहाव के साथ आए पानी से श्रद्धालुओं के लिए लगाए गए करीब 25 टेंट और 2 से 3 लंगर बह गए हैं। कई श्रद्धालु लापता हैं और उनके तेज बहाव में बहने की आशंका है। इस तरीके से हम लोग को पौधी ने बचाया है, तुरंत बोले पहाड़ की तरफ चिपको चिपको, एक एक लोगों को हम लोग को बचाया, पहाड़ में समेट करके बचाया। हम अपनी आर्मी को सलाम करते हैं। जो मंजर मैंने देखा वो कोई ना देखे कभी। लोग रेस्ट कर रहे थे वो भी बह गए, साथ में 1-2 टेंट वाले भी बह गए हैं, 1-2 घोड़े स्थल वाले बह गए हैं, 1 आर्मी ऑफिसर भी बह है मेरे सामने।